में आपका स्वागत है। हम आए हैं आजाद मैदान में, जहाँ पे यूनाइटेड नर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र ने रखा है एक आंदोलन, और उनकी मांग ये है कि लोगों को जो फायदा है वो हमें क्यों नहीं होता है। इस बारे में हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर में किस बारे में ये मोर्चा जो है ये रखा गया है। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है, आपका शुभकामना। मेरा नाम भीमराव चक्रे है। भीमराव जी, जो कि जो आज जो मोर्चा रखा गया है नर्स लोगों का, इस बारे में आपसे कुछ जानना है हमें। ये जो मोर्चा रखा है, ये ऑल ओवर महाराष्ट्र से नर्सेस यहाँ पे जमा हुई है। नर्सेस के बहुत सारे कैडर्स है, जैसे ट्यूटर है, इंचार्जेस है, या फिर वार्ड में काम करने वाली नर्सेस है। सबका प्रॉब्लम ये है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो सेवेंथ पे आया है अभी, तो उनमें बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो केंद्र शासन ने दिए हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में दिए नहीं हैं। उसके वजह से हमारा जो स्टेट में काम कर रहे हैं हम, उसमें नर्सेस का पेमेंट 30 से 35 हज़ार उनसे कम है। जो अलाउंसेस उनको मिल रहे हैं वही अलाउंसेस हमको भी चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और बहुत बहुत दूसरे भी प्रॉब्लम है, जैसे उधर अगर एजुकेशन ले लिया तो एजुकेशनल अलाउंस बोल के एक इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलता है, दो इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते हैं, तो अपने स्टेट गवर्नमेंट में वो भी नहीं मिलता है। एजुकेशन के लिए एक बार स्टडी लीव और एक बार डेप्यूटेशन का प्रयास था पहले, अभी गवर्नमेंट ने हमारा डेप्यूटेशन कैंसिल करके सिर्फ एक बार स्टडी लीव का प्रायोजन शुरू रखा है। इसके लिए बहुत सारे लोग नाराज़ है, और वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए, और जो भत्ता नहीं मिल रहा है वो मिलना चाहिए, इसके लिए यहाँ सब जमा हुए हैं। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे इस बारे में। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय शिरसागर है। अजय जी, आप लोगों की क्या मांग है और क्या वजह से यहाँ मोर्चा रखा गया है? सबसे पहले हमारी यही एक मांग है कि हम सातवां वेतन जो मिला है केंद्र सरकार को, हो जैसे कि वैसा हमें हमारी नर्सेस को मिल जाए। ये हमारा आंदोलन जो अभी है वो रुग्ण सेवा पे कोई भी अड़थला नहीं निर्माण करके चालू है। आगे जाके ये आंदोलन जो होगा वो हम रुग्ण सेवा बंद करके करेंगे। हम अभी जो स्टाफ नर्सेस यहाँ पे जब आई है महाराष्ट्र से, वो जो स्टाफ नर्सेस है वो अपनी एक एक छुट्टी खर्च करके आई है। क्यों? अपने लिए आई है, बाकी की स्टाफ नर्स रुग्ण सेवा देने में तत्पर है और रुग्ण सेवा दे रही है, मगर आगे जाके जब आंदोलन सरकार ने हमारी दखल नहीं ली तो आगे जाके आंदोलन होगा, वो काम बंद आंदोलन होगा। हमारे ऊपर मेस्मा लगे या कुछ भी लगे, मगर हम आम काम बंद आंदोलन करेंगे। तो बोलना ऐसा है कि मतलब आपका कहना यह है कि आपके जो मांग है वो पूरी होना चाहिए। वो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हमारी परिचारिका जो ज़्यादातर महिला वर्ग है जिनके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है, और वो जो महिला वर्ग है वो जो स्पाइनल कॉर्ड है अस्पताल का, जो डॉक्टर से अच्छा पेशेंट संभालती है, खून लेती है, दवाई देती है, सब काम मल्टीपर्पज काम जो कर रही है हमारी महिला वर्ग कर रही है, परिचारिका कर रही है, और हर बार जब अत्याचार होता है तो महिला वर्ग पे होता है, वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसा कि जितने भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह या प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, और आपका कहना ये भी था कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स जो है वो कम है, और जो जितने भी मतलब जो मरीज लोगों को संभाला जाता है वो नर्स नहीं संभालते, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहोगे? क्या है, हर एक डॉक्टर में सपोज मान लो सब डिस्ट्रिक्ट उप जिला रुग्णालय है, उसमें 100 बेड का अस्पताल रहता है, उसमें खाली एक ही डॉक्टर रहता है, एक डॉक्टर 100 पेशेंट के पीछे कहाँ कहाँ जाएगा। जब पेशेंट सीरियस होता है तो डॉक्टर आने से पहले उसको संभाल लेने के लिए नर्स आती है, नर्स रहती है कि डॉक्टर आने तक उसको जिंदा रहने का काम नर्स करती है। जब डॉक्टर आएगा तब उसको देखेगा, फिर सब जवाबदारी जिम्मेदारी नर्स की है, तो नर्स के ऊपर अन्याय क्यों किया जाता है? जब पेशेंट डेथ होता है तो जब उनकी इंक्वायरी वगैरह लगती है तो स्टाफ नर्स की लगती है, डॉक्टर का कुछ नहीं होता, सब अन्याय हमारे स्टाफ नर्स के ऊपर होता है। मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी नर्सों ने यहाँ पर जो है आंदोलन किया है, मोर्चा रखा है, और इनकी मांग यही है कि जो जरूरत दूसरों की पूरी होती है वो मांग हमारी भी पूरी होना चाहिए,
और हर हॉस्पिटल में जो है काफी जो है डॉक्टर जो है कम है, नर्सेज ज्यादा है, और जितने भी जो मरीज है उनका ख्याल डॉक्टर से ज्यादा जो है वो नर्स रखती है। बॉम्बे प्रेस अमजद पठान के साथ। में जो है नर्सेज भी खड़ी है यहाँ पर, उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मोर्चे के बारे में। बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? सुमित्रा तोंडे। आपकी क्या मांग है, किस वजह से मोर्चा रखा? महाराष्ट्र शासन में आज की तारीख में तकरीबन 75,000 नर्सेस काम करती है, इसमें 70% महिलाएं है, 30% पुरुष है, और आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है हमारी कि आज केंद्र शासन को जितनी तनख्वाह मिलती है वो महाराष्ट्र शासन में नहीं मिलती है। इसमें नर्सिंग अलाउंस है जो 7,200 केंद्र शासन में मिलता है, महाराष्ट्र शासन में वो जीरो है। इसके अलावा धुलाई भत्ता है जो वहाँ पर केंद्र शासन के, इसलिए हमारी बेसिक मांग है कि आज की तारीख में जो केंद्र शासन की जो वेतन है वो जैसी है वैसी ही महाराष्ट्र शासन में की नर्सेस को मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि 2005 के बाद जो कर्मचारी ज्वाइन हो गए हैं शासन सेवा में, उनको पेंशन नहीं मिलती है, और उनको DCPS एक अन्यायकारक पेंशन शुरू की है, वो बंद होनी चाहिए और जो पुरानी पेंशन शुरू हो जानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये परिचारिका नर्सेस में उच्च शिक्षित लोग हैं और वो पीएचडी जिन्होंने PhD किया है, ग्रेजुएशन किया है, उनकी क्वालिफिकेशन है कि वो संचालक नर्सिंग का संचालक बने, या इसीलिए स्वतंत्र संचालक होना जरूरी है क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या से महिलाएं काम करती है और ये जो सेवा देती है वो सेवा देते समय किसी हर अपनी हर समस्या बाजू में रख के काम करती है, इनका अलग से स्वतंत्र संचालक बनना चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, ये महिलाएं हैं, इनकी जब बदली होती है प्रशासन इनकी जब बदली करता है किसी भी कारण के वजह से, तो ये उनकी ये जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो प्रशासकीय बदली बंद हो जानी चाहिए, और जिनको बदली चाहिए या जिसकी कंप्लेन है उसको ही बदली मिलनी चाहिए। ये बंद होने से कई सारे संसार कई सारे फैमिलीज सेटल हो सकती है। जैसा कि बताया जा रहा है कि काफी जो हॉस्पिटल्स है उसमें डॉक्टर्स कम है, और जितने भी जो मरीज के जो सेवा करती है वो सिर्फ नर्स करती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये राज्य में 18,000 डॉक्टर्स है और 75,000 नर्सेस गवर्नमेंट में काम करती है। डॉक्टर्स के लिए उनका संचालय अलग से है, नर्सेस के लिए नहीं है। नर्सिंग सेक्टर का एक ही अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के पद नर्सिंग के लिए है वो किसी और को दिए गए है। जब तक नर्सेस को ये पद नहीं मिलते तब तक नर्सेस को न्याय नहीं मिलने वाला, इसलिए हमारी ये महत्वपूर्ण मांग है आज के आंदोलन की। सबसे पहले स्वतंत्र संचालय हो जाना चाहिए, तभी इन सब 75,000 नर्सेस को न्याय सही तरीके से न्याय मिलेगा। और अगर समझो कि आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो उसके बाद आपका क्या करना है और क्या कहना है? ये आज का जो आंदोलन चल रहा है ये रुग्ण सेवा चालू रख के हम लोग अपनी छुट्टी लेके यहाँ पर आंदोलन में आए हैं। अगर ये आंदोलन से अगर शासन दखल नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है, तो 12 फरवरी से 14 फरवरी तक 3 दिन का स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद ही अगर शासन ये ध्यान नहीं देता है तो 12 मई से हम अनडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे, और ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि ये नर्सेस का आंदोलन है जो आरोग्य सेवा में नर्सेस बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसके नहीं होने से कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है। डॉक्टर्स का काम कभी नर्सेस कर सकते हैं पर किंतु नर्सेस का काम कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए नर्सेस की मांगों पर शासन को ध्यान देना है और तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो। ऐसा इनका कहना है कि अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर से हम कंटिन्यू आंदोलन रखेंगे, और आगे भी अगर छुट्टी लेना पड़ा तो हम छुट्टी लेके फिर से इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे।